सलाम अलैकुम मामू जान। प्लीज बैठ। बात है बेटा, खैरियत तो है? गुनेगार औलाद, अपने बुजुर्गों से ऐसी माफी मांगती है ना। मॉम चुप करो। मामूजान हमें माफ कर दें, हमने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। मॉम मेरी बात तो सुने। बस शहरोज, अब मामूजान को सब कुछ बताना बहुत जरूरी हो गया है। मुश्किल वक्त में ना बुजुर्गों का साथ बहुत जरूरी होता है ना मामू जान। अगर आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। ख़ियाज़ुद्दीन कहते थे कि किसी मुश्किल वक्त में अगर मामू जान को आवाज दो ना तो वो फौरन लबैक कहते हैं। इसका मतलब है मीडिया पे जो कुछ आया है वो सब सच है। जी, कहम इसकी बीवी और सनी इसका बेटा है। लेकिन मामूजान, इसने उसको तलाक दे दिया है, वो चली गई है। अब कोई खतरे की बात नहीं है, सब ठीक हो चुका है। आपको परेशान नहीं होना, वो लड़की ना हमारे खानदान की, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, पैर दर पैर सब के सब, किस तरह कर लिया तुम सबने मिलके। दादा जी बस, दादिया तूने भी सीख लिया ये फर, इतनी जल्दी सीख लिया, फरेब देना, धोखा देना, झूठ बोलना सीख लिया इतनी महारत से। आपके भतीजे की आखिरी ख्वाहिश थी कि दानिया इस घर की बहू बने। देखें वो कितनी खुश है, यहाँ पे जुड़ी रही हमारे साथ। मेरी आपसे इल्तिजा है, हमें माफ कर दीजिए। आप ही अब हमारी कुर्सी बचा सकते हैं ना। इसका घर बसे रहने दें, खुदा के वास्ते बसे रहने दें आप।